छतरपुर में आरटीओ की ओर से शहर भर में चल रहे ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उनके रिक्शे भी जब्त किए जा रहे थे, जिससे अब गरीबों को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। इस बात से नाराज होकर सभी रिक्शा संचालक ऑटो यूनियन के बैनर तले आरटीओ ऑफिस पहुंचे और जमकर हंगामा किया। ऑटो चालकों ने कहा कि उन पर हो रही कार्रवाई से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो चालकों ने आरटीओ अधिकारी को आवेदन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसी संबंध में हमारे द्वारा जो है पिछले एक सप्ताह से यह कार्रवाई जो है वह की जा रही थी, तो उसी कार्रवाई के विरोध में ये यहाँ पे कुछ ऑटो रिक्शा संचालक जो हैं वो आए थे और उनके द्वारा ये विरोध दर्ज करवाया गया था कि हम लोगों की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है और हम लोगों को समय दिया जाए तो उसके पश्चात ही कार्रवाई की जाए। तो हमने उनको बताया है कि इसमें चूँकि माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश हैं कि आपको समस्त दस्तावेज पूर्ण करा के ही वाहन का संचालन करना है, और साथ ही साथ हमने इनको ये भी आश्वासन दिया है कि आप लोग तत्काल अपने परमिट और फिटनेस के आवेदन लेके आएं और हम यहाँ पे एकल खिड़की के माध्यम से आपके परमिट फिटनेस के आवेदन जो है उनका तत्काल निराकरण करवा करके परमिट फिटनेस। वो हम लोगों की व्यवस्था नहीं है, वो कोरोना के खाए हुए आदमी हम लोग, ना बंद रही टैक्सी, ना कमा पा रहे, ना कुछ कर पा रहे हैं। कितने लोगों की टैक्सी पकड़ी है? कम से कम 300 टैक्सी पकड़ी गई है, और ना कोई छोड़ रहा है वहाँ से। कहते कोर्ट पहुंचा रहा है, कोर्ट इनसे बात करो, उनसे बात करो, यही चल रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमें समय दिया जाए, हम लोग कागज भी कंप्लीट करवा लेंगे, सब कर लेंगे, फिर चलाएंगे गाड़ी। कितने दिन से परेशान हैं आप? हम लोग हैं कम से कम 15-20 दिन से परेशान है, चेकिंग चल रही है जिस इसके कारण। आपकी ऑटो पकड़ी? हाँ पकड़ी गई। कितने का चालान? चालान अभी का पेश नहीं हुई, अभी गाड़ी धरी है। कहा था किसी का 2,500 चालान हुआ, किसी का 3,000 चालान हुआ, किसी का 4,000 भी। उसमें हम लोगों ने कागज भी बनवाए, काफी लोगों ने बनवा भी लिए हैं, और अभी बाकायदा अभी 8 दिन से कुछ थाने में गाड़ियां धरी हुई हैं जिनका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। जैसे सिटी कोतवाली में धरी है, सिविल लाइन में है, और ओरछा थाने में, और अपने जो चौबीस गड्ढा पे यातायात है वहाँ पे धरी हुई है। कुल मिला के 2,100 टैक्सी पकड़ी हुई है, और एक या ऑटो वाला भी खत्म हो गया है। हो गया, क्या मामला? वो उसका 19,000 करीब का चालान किया इन्होंने, और 4 दिन से वो बराबर चक्कर लगाता रहा, जिस वजह से उसकी गाड़ी नहीं छोड़ी तो वो उसको अटैक आ गया, तो वो खत्म हो गया अस्पताल में। आज आप कहाँ पर आए हैं? अभी हम आईटीओ ऑफिस आए हुए हैं, तो उसी वजह से बात करने आए थे। अगर आईटीओ साहब कोई निराकरण नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, तो हम लोग हड़ताल करेंगे और रोड भी जाम कर सकते हैं, और कहा तो वहीं पे अपन गाड़ी में आग भी लगा सकते हैं। ज्यादातर हम लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि बच्चे भूखे मर रहे हैं, गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। कितने लोगों की टैक्सी पकड़ी गई? अभी करीब 200 टैक्सियां धरी हुई हैं थाने के अंदर, और कुछ के अभी चालान हुए कहाँ, गाड़ी छूटी ही नहीं है, अभी कोर्ट में धरी हुई। कह रहे हैं